होगा, और ये थपकी पैटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस पैटर्न का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक बार गा के भी बता देता हूँ कैसे। बादल, मैं तो आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम आज सीखने वाले हैं कव्वाली पैटर्न, या फिर सुंदरकांड भजन में जो दादरा ताल में जो कव्वाली में बजने वाले जो दादरा ताल के जो थपकी वाले पैटर्न होते हैं ना, वो आज सीखने वाले हैं। और दोस्तों ये ऐसा एक पैटर्न है जिसको अगर आप सीख लेते हैं, और ये बहुत आसान भी होता है, इस पैटर्न के दम पे आप कोई भी दादरे ताल में कोई सा भी आपके पास गाना आ जाता है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को बजा के बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न इतना अच्छा लगने लग जाता है ना, बहुत सारे थपकी के पैटर्न है वो सब अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो ये यूनिक सा एक थपकी का पैटर्न है, बहुत तो बताते भी नहीं है, लेकिन ये पैटर्न जो मैं बताने वाला हूँ, इस पैटर्न को आप बजा के कोई सा भी गाना निकाल सकते हैं। एक बार बजा के बता देता हूँ। देखा होगा, चाहे तो आप बिना खोले भी बजा सकते हैं और चाहे तो खोल के भी बजा सकते हैं। अब ये देखिए खोल के और बिना खोलने में क्या फर्क है, जो एक अगर आप कव्वाली टाइप का बजाना चाहते हैं तो देखिए इस टाइप का पैटर्न का कुछ स्वाद आएगा। देखिए ये टाइप का जो ये लगता है ना खुला खुला जो कव्वाली में बजता है, ये आप नॉर्मल किसी भी गाने में भी बजाते ना तो क्या बंध के चलता है ये वाला पैटर्न। कुछ भी अगर आपका ताल कभी कभार गड़बड़ाने लग जाए तो वहां पे अगर आप ये लगा देंगे तो बंध जाता है, गलती नहीं होने पाती। जैसे आप कोई भी पैटर्न बजा रहे हैं दादरा का, लग रहा था, और ये थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कठिन है, लेकिन दोस्तों ये बहुत बहुत ज्यादा आसान पैटर्न है। और इस टाइप का शायद मैंने अपलोड किया है पैटर्न, दादरा के बहुत सारी वीडियोस बनाई है, थपकी पैटर्न और उठान बहुत सारी चीजें बनाई है, आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप जाके उसमें पक्का देखिएगा, आपका दादरा ताल की सारी समस्या कंप्लीट हो जाएंगी। चार पांच वीडियो है, अगर इतनी भी अगर आप देख लेते हैं तो दादरा ताल में आपकी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये चीज हम एक बार सीख लेते हैं कि बजा कैसे है। एक बार थोड़ा सा आपको थोड़ा स्लो स्लो बजा के बता देता हूं। ऐसे कुछ है। तो इसमें मेन ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं। इसमें एक हिस्सा लग रहा है बिल्कुल छोटा सा, ऐसे करके थोड़ा सा बजा के बता देता हूं। ये जी यही चीज है मेन, इस हिस्से को अगर आप बजाते हैं तो ये बिल्कुल बांधता है ये किसी भी चीज को। देखिए इसको हम बता देते हैं कैसे बज रहा है। अगर आपको कोई और भी पैटर्न दादरा ताल में सीखने हैं तो लास्ट में स्क्रीन एंड स्क्रीन में आप लोग को मिल जाएगा, और लिंक भी दे दूंगा मैं आप लोग को। देखिए बैक कैसे बज रहा है, बोल लिखे हुए आप लोग को मिल जाएंगे, धा तीना धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना धा धीना, ये है पैटर्न धा तीना धा धीना धा तीना धा धीना। ये इसमें खुला बजा हुआ है ना, इसी को हम धा धीना बोल रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न आप लोग को अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान पैटर्न है, इस चीज को आप सीख जाएंगे। देखिए कैसे बज रहा है, धा ती ना, इधर से फिर यहां से समझा देता हूं, एक बार इधर से समझा दूंगा एक बार इधर से भी समझा दूंगा। देखिए बिल्कुल स्लो स्लो समझा देता हूं आप लोग को। देखिए धा नहीं धा खुला मारना है पहले वाले को, धा ती ना धा धी ना फिर धा
ना, ये लास्ट में जो मैंने धा धी ना खुले बोल है बिल्कुल, एक बार इधर से समझ लीजिए, बिल्कुल मैंने स्लो स्लो बजाया है, इसके बाद थोड़ा सा स्लो स्लो आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, देखिए कैसे बज रहा है धा, ये वाली उंगली से ता मारना है, थपकी नहीं है ये, धा ती थपकी है, ती ना धा, पहली उंगली से धा धी ना धा ती ना धा धी ना। अगर आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे मैंने एक एक करके बताया, पहले ताल को दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए बिना, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कोई बंदा सीखता है तो पहले ताल को नहीं रटता है, ताल रटना बहुत जरूरी होता है, नंबर वन चीज, कभी भी आप कोई ताल सीख रहे हैं तो ताल को पहले रट लीजिए, मुंह जबानी याद कर लीजिए कि इसके बाद ता है कि गा है कि क्या है, याद करने के साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो वीडियो में बताया गया कि धा पे थपकी है कि क्या, ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो इस तरीके से जल्दी लोग सीखते हैं। धा तीना धा धीना धा तीना धा धीना, एक बार और समझ लीजिए, देखिए कैसे बज रहा है धा ती ना धा, ऐसे धा धी ना फिर धा ती ना धा धी ना। अब ये जो लास्ट पैटर्न खत्म हो रहा है ना, धा धी ना, यहां पे खत्म हो रहा है ना, के बाद सीधे ही धा शुरुआत कर देना है, अगर आपने पॉज लिया यहां पे तो आपका पैटर्न गलत हो जाएगा। देखिए कैसे बज रहा है, देखिए लास्ट में आपको बजा के बता देता हूं, देखिए धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना, बिल्कुल वही से स्टार्ट कर देना है, अगर आप पॉज लेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे बज रहा है, धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा, सीधे धा लगा देना है, फिर से पहला पैटर्न स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो पैटर्न गलत हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में प्रैक्टिस करते कैसे बज रहा है, समझ लीजिए कि आप ताल सीख चुके हैं, इतनी भी स्पीड में, ये बिल्कुल स्लो बज रहा था लेकिन स्पीड में इसकी ज्यादा स्पीड है, देखिए कैसे ऐसे है ये चीज, ये इतनी स्पीड में बज रहा है, लेकिन धाती ना धाती ना धाती ना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमारी स्पीड भी तो बढ़नी चाहिए, दोस्तों स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप कोई भी अगर बजाते हैं तो पहले उंगलियों में भी जान आनी होती है, बात सही है ये, क्योंकि अगर आपकी उंगलियों में जान नहीं है फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, भले ही आपका दिमाग तेज है उंगली भी तेज है फिर भी सब चीज आ गया लेकिन आपसे आप बजा नहीं पा रहे, इसका मेन कारण होता है कि जान हाथ में नहीं है तो हाथ में दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है अगर आपके हाथ में जान नहीं है तो इसीलिए दोस्तों कम से कम एक दो महीने प्रैक्टिस करते हैं, तो ये नहीं कि आपका दिमाग स्लो है, बस ये कि आपकी उंगलियों में जान आना है, जिम कर रहे हैं एक तरीके से, और जिम करने का तरीका सेम टू सेम यही चीज करेंगे तो आपको आपकी उंगलियों का याद भी होगा और आपकी उंगलियों में जैसे जैसे जान आएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी दोस्तों। और आप सोच रहे होंगे कि स्पीड हम बढ़ा बढ़ा के करेंगे, दोस्तों मैं एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई हमेशा, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी कोई पैटर्न स्टार्ट करता था सीखना चालू करता था तो मैं बिल्कुल स्लो स्लो बजाता था, मैं सबकी बातें मानता था, YouTube पे मैं भी सीखा YouTube से ही, तो लोग स्लो स्लो कहते थे, मैं स्लो स्लो बताता था, स्लो स्लो बजाते बजाते मुझे पता ही नहीं लगता था कि मेरी स्पीड कब बढ़ गई, और ये सबके साथ होता है, धीरे धीरे बजाते बजाते अपने आप स्पीड बढ़ जाती है, हाथ में जान आ जाता है तो अपने आप ही उंगलियां तेज तेज चलने लग जाती है। तो दोस्तों मुझे लगा कि आज की वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा, और ये थपकी पैटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस पैटर्न का बहुत ज्यादा यूज होता है,
एक बार गा के भी बता देता हूँ कैसे। तरीके के गाने जिसमें आप यूज करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि आज की वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब पक्का कर लेना और ऑल पे कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूं कि 78% बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल। सो प्लीज दोस्तों शर्माइए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फायदा है इसमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना।